पूर्व प्रधानमंत्री एवं भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर रेवाड़ी जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और सभी बीजेपी पदाधिकारियों ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया व श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वह महान हस्ती थी जिन्हें सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार मिला था और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। पालीवाल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि जब अटल जी 1980 में मुंबई अधिवेशन के दौरान अपना भाषण दे रहे थे वो दिन आज भी उन्हें याद है जब अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा और आज वही चित्रार्थ हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि ऐसी महान हस्ती के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि देश को और ऊँचाइयों तक ले जाया जा सके। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार जिन्हें मिला, भारत रत्न से सम्मानित रहे, ऐसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज प्रथम पुण्यतिथि हम भाजपा कार्यकर्ता मना रहे हैं। वो अटल जी जो एक हृदय कवि सम्राट, ओजस्वी वक्ता, हमें ध्यान है 6 अप्रैल 1980 जब पार्टी का स्थापना दिवस था, अधिवेशन था बॉम्बे में, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज उनकी वही बात चरितार्थ हो रही है। तो आज ऐसी महान विभूति को, एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी को, एक ऐसे राष्ट्र भक्त को पूरा रेवाड़ी जिला भाजपा उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जय हिंद, जय